हेलो बच्चों, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल नीट एम्स बायोलॉजी बायोमेनिया। एंड मैं आपकी बायोगुरु आपके साथ में फिर से हूँ एक बहुत ही शानदार क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारे साइंटिस्ट के नेम्स इन्वॉल्व हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि ये क्वेश्चन सिर्फ इसी फॉर्म में पूछा जा सकता है, ये किसी भी फॉर्म में आ सकता है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट के नेम इन्वॉल्व हैं इसमें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन क्या है। Who among us the following scientist had no contribution, no contribution, no ज़रूर ध्यान रखिएगा, in the development of the double helix model for the structure of DNA। यहाँ पे पूछ रहा है जो आपको ये चारों साइंटिस्ट के नेम दे रखे हैं, इनमें से कौन सा ऐसे साइंटिस्ट है जिसका कोई रोल नहीं है डबल हेलिक्स मॉडल स्ट्रक्चर जो DNA का बताया गया था उसके बारे में या उसके डेवलपमेंट में। तो जो आपके पास में ऑप्शन है दैट इज द रोजलिन फ्रैंकलिन, सेकेंड ऑप्शन इज द मॉरिस विल्किंस एंड द थर्ड ऑप्शन इज द इरविन शार्गफ एंड द फोर्थ ऑप्शन इज द मिसेलसन एंड स्टाल। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका रोजलिन फ्रैंकलिन एंड जो सेकेंड ऑप्शन है दैट इज मॉरिस विल्किंस, इन दोनों को हम साथ में देखेंगे क्योंकि इट वॉज ओनली इन 1953 दैट जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक based on the X-ray diffraction data produced by Morris Wilkins and Rosalind Franklin proposed a very simple but famous double helix model for the structure of DNA। यानी कि इन दोनों ने तो काम किया था DNA के double helix model के development या DNA double helix structure के development पे। फिर आते हैं इरविन शार्गफ। इरविन शार्गफ ने observe किया था double stranded DNA में जो bases होते हैं adenine, थाइमिन एंड साइटोसिन एंड ग्वानिन। इन्होंने बताया था कि जो एडनिन की क्वांटिटी है वो इक्वल होगी थाइमिन की क्वांटिटी के एंड जो साइटोसिन की क्वांटिटी है वो इक्वल होगी ग्वानिन की क्वांटिटी के। तो इन्होंने बता दिया था कि ये कांस्टेंट होते हैं और इक्वल रेशियो में ही प्रेजेंट होते हैं। यानी कि इरविन शार्गफ ने भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था डबल हेलिक्स मॉडल के डेवलपमेंट पे। फोर्थ साइंटिस्ट हमारे पास में बच रहे हैं दैट इज द मिसेलसन एंड स्टाल। मिसेलसन एंड स्टाल, इनका पूरा नाम था मैथ्यू मिसेलसन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल एंड इन्होंने 1958 में परफॉर्म किया था एक एक्सपेरिमेंट इकोलाई में प्रूफ करने के लिए कि जो डीएनए रेप्लिकेशन दैट इज एक्चुअली सेमी कंजर्वेटिव। ओके, सो बट इन्होंने ये तो बताया था कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, यानी कि इन्होंने जो बात करी थी वो डीएनए मॉडल के बाद की बात करी थी। तो यानी कि इनका कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं रहा है डीएनए के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में। सो जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज द मिसेलसन एंड स्टाल। क्लियर गाइज? सो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट लग रहा है तो यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन। और बच्चों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ इन्हें लाइक ज़रूर कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको सारे अपडेट्स टाइमली मिलते रहे। सो गाइज, स्टे ट्यून्ड विद बायोमेनिया एंड बाय बाय फॉर दिस टाइम। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।